गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज मेरे पास एक जियो F320 एक मोबाइल फ़ोन आया और इसके अंदर आपको जो है फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो कस्टमर कहना है ये चार्जिंग जो है शो कर रहा है लेकिन इसका जो इंडिकेटर दिखा रहा है लेकिन इसके जो बैटरी परसेंटेज नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले इसका जो बैटरी है, बैटरी आपको सबसे पहले चेक कर लेना है बैटरी का कंडीशन क्या है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो कंडीशन है, इसका कंडीशन इसको ऑन कर देते हैं। अब देख पा रहे इसका कंडीशन है 3.66, मतलब आपका बैटरी चार्ज होना चाहिए और परसेंटेज भी इंक्रीज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका कैसे इसको रिपेयर करना है। कोई भी अगर फॉल्स चार्जिंग या फेक चार्जिंग आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या इसको ध्यान में देना है। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास आई चार्जर है तो आई चार्जर से भी आप देख सकते हो कनेक्ट करके। अगर आपके आई चार्जर में एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब आपका चार्जिंग सही है। अगर एम्पियर नहीं ले रहा है, इंडिकेटर नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो चार्जिंग है फॉल्स हो रहा है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी जैसे भी ये सेट आए तो सबसे पहले आपको चेंज कर लेना है इसका जो कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर सबसे पहले चेंज कर लेना है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी चार्जिंग का कनेक्टर भी ड्राई सोल्ड होने के कारण आपका जो इसका जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो दो तीन स्टेप के अंदर इसका जो प्रॉब्लम है इस फिक्स हो जाएंगे आई होप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको चार्जिंग लगा के आपको इसका जो वोल्टेज है इसको मेजरमेंट करना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको जो 20 वोल्ट DC पे इसको सेट कर देता हूँ। और इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसको वोल्टेज को मेजरमेंट करना है। तो मैं ग्राउंड पे ले लेता हूँ, ये है ये वाला है ग्राउंड और थोड़ा सा इसको, हाँ तो ये वाला है ग्राउंड। ग्राउंड पे सबसे पहले आपको चार्जिंग कनेक्टर पे इसका जो वोल्टेज है आपको चेक करना है। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, देख रहे हो चार्जिंग कनेक्टर पे आपका जो वोल्टेज है 4.539, मतलब सही आ रहा है। तो और एक कारण हो सकता है, कोई भी सेट रिपेयर करने से पहले आपको जिसका जो कनेक्टर का आपको इसका जो आईडी लाइन है, आईडी लाइन का फॉल्ट से भी एक हो सकता है और इसका कोई भी कंपोनेंट की खराबी से हो सकता है, आईसी के डैमेज से हो सकता है, तो बहुत सारा रीजन से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका जो पिन आईडी पिन है, सबसे पहले इस पिन को आपको जीआर में ले लेना है, मतलब कूल टेस्टिंग करना है। ये है वीफ देख सकते हो, और इसके बाद आपको कूल टेस्टिंग करना है। ये ग्राउंड है और इसके बाद है ऑयल दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड है ये आपका 509 वैल्यू दिखा रहा है और इसके बाद RX EX, तो ये लाइन ब्रेक है आप देख सकते हो। और इसके बाद ये भी 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले ये जो आईडी लाइन भी आपका प्रॉब्लम हो रहा, तो इसी का रीजन से आपको हो सकता है। तो सबसे पहले इसको, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो सबसे पहले इसको डायड है तो आपको डायड चेक कर लेना है। इसके बाद जो पॉइंट आते हैं फ्लास के बाद जो पॉइंट आते हैं डायड पे, तो डायड का वैल्यू जो है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो डायड का वैल्यू भी सही आ रहा है एकदम। और इसके बाद कॉयल शॉर्ट है तो नहीं, तो कॉयल नहीं शॉर्ट नहीं है। और इसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर के भी सही रीडिंग आ रहा है, ये भी सही रीडिंग ले रहा है। और इसके बाद ये भी सही है, मतलब 182 का रीडिंग है। तो सबसे पहले आपको कूल टेस्टिंग कर लेना है। इसके बाद डायोड, अगर डायोड आप चेक करें तो डायोड भी सही है।
तो मेरे हिसाब से जो आपको मैं अगर डायोड पे आप ज़्यादा इसको चेंज करके देखेंगे तो आपका बहुत फर्क कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरे जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट लग रहा है वो इसका जो है चार्जिंग का जो पोर्ट है, तो सबसे पहले इसको चार्जिंग को चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के बाद भी इसके बाद सबसे पहले इसको पॉजिटिव सप्लाई लाइन इसको जो सबसे पहले चेक करना है, अगर इससे ये कनेक्ट है तो हाँ दिखा रहा है। तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है ये कई लाइन ठीक है। और इसके बाद डायोड की एक सिरा पे जाएंगे, उसके बाद कॉयल पे, ये भी कनेक्शन भी ठीक है। इसके बाद आईसी पे, 6 पिन आईसी, आईसी पे इसके बाद कैपेसिटर पे जाना चाहिए। तो इसके बाद कैपेसिटर पे जाना चाहिए, उसके बाद इसका डायोड, और ये इसके बाद इसका डायोड होकर इस बैटरी को प्लस करना। तो मतलब ये जो लाइन है इधर से आईसी से ये जो कैपेसिटर का जो लाइन है कहीं ना कहीं ब्रेक है। तो अगर आप इससे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके अगर आप जम्पर करेंगे या आपको चेक करेंगे तो आपका जो फ़ोन 100% आपका फ़ोन बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फुल टेस्टिंग करना है। अगर सबसे पहले कोई भी नहीं आ रहा तो आपको चार्जिंग जैक चेंज करके देखना है, बैटरी तो थोड़ा बहुत आपको चेक कर लेंगे। और इसके बाद आपको कूल टेस्टिंग करना है। कूल टेस्टिंग करने के बाद अगर आपका क्योंकि जैसे चार्जिंग का सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, इसके आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कैपेसिटर सही है नहीं, सबसे पहले इसको और एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके देख रहे हो रीडिंग दे रहा है, तो मतलब सही है। तो क्या करना है आपको, इस पिन से यहाँ पे आपको जम्पर कर देना है। जम्पर करने से क्या होगा, आपका जो जो फास्ट चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था आपका जो एकदम ठीक हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसको जम्पर कर लेते हैं, जम्पर करके देखते हैं इसका जो प्रॉब्लम सही होता है या नहीं। तो गाइस ऐसे करके आपको जम्पर कर देना है, और इसके बाद आपको चार्जिंग में लगा कर देखना है इसका जो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इधर से मैं एक जम्पर कर दिया हूँ आईसी का जो पिन से, और ये जो कनेक्शन ब्रेक था मैं आप लोगों को दिखा दूँ और फोकस करके देख सकते हो ये जो कनेक्शन ब्रेक था इधर से आईसी का एक पिन से इसका जो कैपेसिटर पे जम्पर हुआ है। और इसके बाद आपको क्या करना है, और एक बार आपको चेक करना है कि इसका जो वोल्टेज बैटरी पिन पे आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको कर लेना है आपका जो इसको इन करना है, प्लग इन करना है, और इसके बाद आपको जो बैटरी पिन पे आपको चेक करना है वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो ये वोल्टेज आ गया है 4.21। तो इसका मतलब आपका जो है जो फास्ट चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो गया है। तो ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको चेक करना है, आपको इसको चेकिंग करना है, इसको टेस्टिंग करना है। इसके बाद आप इजीली इसको देख सकते हो 4.21 वोल्ट आ रहा है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बैटरी लगा कर दिखा दूंगी इससे क्या आपका जो जो फास्ट चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था वो शायद ख़त्म हो गया है, देख सकते हो। तो गाइस ये था आपका जो ये, अगर आपका इससे कोई भी चार्जिंग लाइन आपको मिसिंग है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है ऐसे करके। तो अगर आप काम करेंगे तो आपका जो 100% आपका जो काम हो जाएंगे। तो आई होप थोड़ा बहुत इस वीडियो पे आपको कुछ नॉलेज मिले होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।